Hey guys welcome back to my channel this is Bumika and you're watching learn french with Bumika. so today we are going to learn class 7th chapter number 5 chapter's name is say noel so in this video i have made a quiz for you so let's solve it so the first question is say noel a so that means when is christmas so your options are first is 25 the Sombre 25 January, 25 September, and 25 October. So a five second time begins now. Okay. So the correct answer is 25th December. As you all know, Christmas is on 25th December. Fine. Next question is Leprontome means summer. You have to say whether it's true or false.

नेक्स्ट इज लव वर्ब तैर मीन्स वॉट ठीक है आशे का मतलब क्या होता है ऑप्शंस आर टू कॉल सेकेंड इज टू बिगेन थर्ड इज टू बाय फोर्थ इज टू थ्रो ठीक है सो फाइव सेकेंड टाइम बिगेन नाउ सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ टू बाय आश्रते का मतलब क्या होता है कुछ खरीदना टू कॉल को कॉमर से बोलते हैं टू बिगैन एंड टू थ्रो को हम जेते बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंच वर्ड फॉर गार्डन इज़ वॉट ठीक है फ्रेंच में आप गार्डन को क्या बोलते हो यर ऑप्शन आर ले यूरनाल ले यूरने ले यूर एंड ले यारदिन so five second time begins now okay so your correct answer is lay jardin jardin का मतलब क्या होता है garden ठीक है journal का मतलब होता है newspaper journe का मतलब होता है day jour का मतलब भी day होता है and jardin का मतलब क्या होता है garden ठीक है next one is फ्रेंच वर्ड फॉर गिफ्ट इज वॉट ठीक है गिफ्ट को आप फ्रेंच में क्या बोलते हो ऑप्शन ले ले एल ले का ले कुजिन ठीक है सो ए फाइव सेकेंड टाइम बिगेन्स टाइम गेट्स ओवर एंड द करेक्ट आंसर है कादो ठीक है कादो का मतलब क्या होता है गिफ्ट काये का मतलब आपको पता है दैट इज नोटबुक राइट सी एल लेल मतलब होता है स्काई है ना ठीक है नेक्स्ट ले का दो आई टोल्ड यू दैट इज द गिफ्ट एंड ले लेन मीन्स कजनस ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट वन पुट द करेक्ट डेफिनाइट आर्टिकल यू हैव टू पुट द करेक्ट डेफिनाइट आर्टिकल्स As you all know, what are the definite articles? Le, la, le and apostrophe. So, your question is, L, a, dash, thilo. Okay. So, she has dash pen. So, kya, kya lagega? You have to put it here. So, your 5 second time begins now. Okay. So, your correct answer is option A. It's le. kya lagega? लो नाउ वाई आई टेल यू ला होता है फॉर वॉट फेमिनाइन है ना फेमिनाइन के लिए यूज होता है एंड फेमिनाइन एंड विद ई सो देर इज़ नो एंडिंग विद ई तो यहाँ पर हमारा फेमिनाइन नहीं यूज़ होगा एल ई एस ले किसके लिए यूज होता है प्लूरल के लिए है ना प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पर तो कहीं हमें एस दिख ही नहीं रहा है तो हम क्यों ले बोलें है ना तो हमारा ये भी नहीं होगा नेक्स्ट है एल अपोस्ट्रोफ सो so, एल अपोस्ट्रोफ कहाँ यूज़ होता है बिफोर वॉवल्स राइट कहाँ यूज़ होता है बिफोर वॉवल्स एंड वेयर साइलेंट एच ठीक है जहाँ पर आपको साइलेंट एच मिलेगा वहाँ यूज़ होता है एंड वॉवल्स के तो यहाँ तो ना वॉवल है ना हमारा साइलेंट एच है तो हम ये भी नहीं लगा सकते What is remaining? L E, and that's the correct answer. Fine. Next question. O dash Ilfe showed on the. So that means in the month of dash, it is hot in India. Okay. So options are the sombre, or et, May and October. So five second time begins now.

सो द करेक्ट आंसर इज हीवर ठीक है तो एट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ इट्स वॉट इट्स समर एप्रिल क्या होता है अप्रिल अप्रैल में गर्मी होता है हीवर इज वॉट विंटर सो विंटर में क्या होता है इट स्नोज और प्रॉन्तों वॉट इज प्रॉन्तों प्रॉन्तों का मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था या सेकेंड क्वेश्चन में देखा था इट्स वॉट ठीक है नेक्स्ट वन This answer you have to give me in the comment section. Question I'll say El Ya Kel That means there are how many days in a week? Okay? So we have to write the full sentence. There are dash days in a week. Okay? So this was a quiz for you. I hope you have understood and do tell me your marks in the comment section. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section and do answer my question. Till then, bye bye and thanks for watching.